फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस तरीके के बॉक्स की वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसकी वायरिंग करना सिखाते हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले इसे मैं खोल लेता हूं। तो इसे खोल लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इसे आप खोल लेते हैं। तो इसे हम खोल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जो खुल चुका है इसे हम निकाल लेते हैं। इसके बाद में हम चलिए फ्रेंड्स आपको इसकी मैं सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ। तो स्पीकर तो पहले हमें इस जगह पर रख देना है। और इसकी सोल्डरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इसकी सोल्डरिंग करना ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रेंड्स देख सकते हैं हम इन पिनों को लगा लेंगे इनमें। चलिए इन्हें लगा लेते हैं। देखिए लग चुकी है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको इसे लगा लेना है। चलिए इसे भी लगा देते हैं। ये भी लग चुकी है। ये फ्रेंड्स अब इसकी सोल्डरिंग किस तरीके से होती है चलिए इसे बताता हूँ। इस प्लेट को इस जगह पर रख लेना। इसके बाद हम फ्रेंड्स इसकी सोल्डरिंग करनी है। फ्रेंड्स आपको इस तरीके से इस पे एक वायर का टुकड़ा जोड़ देना है। इससे हमें इसमें लगा देना है बोले में। तो चलिए सबसे पहले इसे हम बोले में कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए बोले में कनेक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसके जो ये वाले जो पॉइंट है ये कैपेसिटर गया है इसके माइनस वाले पे। ये वाला इसका बैटरी का माइनस है और ये वाला प्लस है। और ये जगह जो है फ्रेंड्स हमारी ये स्पीकर के लिए है। इस पर एक तार इस जगह पे, एक तार इस जगह पे। और फ्रेंड्स हमारा जो ये वाली जगह है ये हमारी यूएसबी केबल के जुड़ने के लिए है। तो चलिए इसकी सोल्डरिंग किस तरीके से कर लेते हैं चलिए वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इस तरीके से एक वायर जुड़ लेना है बोलियम में। बोलियम में जुड़ने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके से आपको इसमें जोड़ देना है जो माइनस वाली साइड है हमारी बैटरी का माइनस। इसे आपको इसमें जोड़ देना है। चलिए जुड़ चुका है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको एक वायर और ले लेना है और जो हमारा बोलियम है उसके बीच वाले टर्मिनल पे आपको जोड़ देना है। इसे इसमें जोड़ने के बाद में फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके से देख लेना है कि जो हमारा जो कैपेसिटर है उसके बाद में जो पॉइंट है इस पे आपको इसे जोड़ देना है। तो चलिए आपको इसे जोड़ के दिखा देता हूँ। देखिए चलिए जुड़ चुका है। फ्रेंड्स जो हमारा जो वॉल्यूम वाला तीसरा वायर है जो यहाँ पर जुड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो तीन तार होते हैं उनमें से मैंने एक को काट दिया है क्योंकि वो हमारा कुछ भी काम पे नहीं आने वाला है। तो मैंने इसे इस तरीके से आप भी काट लें फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं कि इनमें से हमें ये वाला हमारा बीच का टर्मिनल है ये आपको ग्राउंड पर जुड़ देना है माइनस पर जुड़ देना है फ्रेंड्स आपको बैटरी के। तो चलिए इसे इसके माइनस पर जुड़ देते हैं। आपको इसे इस जगह पर जुड़ देना है फ्रेंड्स। देखिए जुड़ चुका है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका बचा जी वायर इसे आपको इसमें जोड़ना है। देखिए आपको इसे इस बोलियम पे जोड़ देना है आपको। देखिए फ्रेंड्स
चलिए आपको जोड़ के दिखा देता हूँ इसे, आपको इसे मीडियम पे जोड़ देना है। वॉल्यूम पर सेट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जी वॉल्यूम पर सेट हो चुका है। इसके बाद हम फ्रेंड्स हमारी ये वाली जो सॉकेट है, ये वाली जो तार हैं, इन्हें आपको किस जगह पर कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये वाला जो पॉइंट है इसका माइनस वाला आपको इस जगह पे जोड़ देना है। चलिए इसे सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए ये सोल्डरिंग हो चुका है। इसके बाद हम फ्रेंड्स आपको जो प्लस वाला वायर दे उसे आपको इसके बाद हम फ्रेंड्स आपको ये जो हमारा प्लस वाला वायर है इसे आपको इस जगह पर सोल्डर करना है। फ्रेंड्स हमारा ये वाला जो इसका प्लस वाला वायर है इसे आपको इस बैटरी वाली जगह पर जोड़ देना है, जिस जगह पर हमारी बैटरी जुड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जुड़ चुका है। इसके बाद में आपको कहाँ पर सोल्डरिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं इस तरीके की जो बैटरी होती है वो यूज कर रहा हूँ। तो चलिए इसे किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो इसमें वॉल्यूम में जो ऑन ऑफ बटन आई है इसे आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो चलिए इस ऑन ऑफ बटन को किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम फ्रेंड्स आपको इस तरीके से इसे कर लेना है। इसके बाद हम आपको एक बार इस जगह पे आपको सोल्डरिंग कर देना है। चलिए आपको इसे सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये सोल्डरिंग हो चुका है। इसके बाद हम फ्रेंड्स आपको एक वायर और लेना है। देखिए कुछ इस तरीके का, तो आपको इसे इस जगह से कनेक्ट कर देना है। चलिए इसे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये वाला भी सोल्डरिंग हो चुका है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको देखते हैं अब हमें क्या करना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा, देखिए ये हमारा माइनस वाली साइड का है तो हमारा जो बैटरी में लगेगा ये, तो चलिए और ये वाला जो साइड है ये हमारा पॉजिटिव है तो हमारा ये वाला इस पॉजिटिव इस बैटरी के इस वाले पॉजिटिव साइड में लगेगा। तो चलिए इसकी सोल्डरिंग करने से पहले हमें इसमें इस ऑन ऑफ बटन को इसमें जोड़ देना है। तो चलिए इस माइनस वाली साइड पर इसे माइनस को लगा देना है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको किस जगह पे इसे जोड़ लेना है, इसको इसी जगह पे जोड़ लेना है जिस जगह पे हमारा कैपेसिटर का माइनस पॉइंट लग रहा है। तो चलिए इसे जोड़ देता हूँ। देखिए जुड़ चुका है। इसके बाद हम फ्रेंड्स आपको ये जो हमारा ऑन ऑफ बटन है इसमें से मैंने एक वायर निकाला है, इस वायर को हम फ्रेंड्स इसमें बांध देंगे, जोड़ दे देंगे। इसके बाद हम फ्रेंड्स जो हमारा प्लस वाला वायर है इसे आपको इस जगह पर रख देना है। इसके बाद हम फ्रेंड्स आपको इसे टैप की मदद से आपको इसे चिपका देना है। तो चलिए इसे चिपका लेते हैं। इसके बाद हम फ्रेंड्स आपको इस तरीके से एक टैप काटना है और इसे इस जगह पे आपको जो हमने बैटरी का और इसका हमने जोड़ा है इसे हम इस तरीके से हम कर देंगे जिससे हमारा जिसमें
सर्किट सोल्ड ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा एक वायर और रह गया है, इस जगह पे हमारा एक प्लस और जुड़ेगा बैटरी का। तो चलिए इसे भी आपको सोल्डिंग करके दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरीके से एक वायर कटकोड़ा लेना है, उसे काट लेना है। चलिए फ्रेंड्स, आपको इस जगह पे एक वायर कटकोड़ा जोड़ लेना है। फ्रेंड्स, अब हमारी इसकी जो सोल्डरिंग थी वो कंप्लीट होकर रेडी हो चुकी है। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको इस वाले वायर को इसमें जोड़ देना है। इसको इसमें जोड़ने के बाद में इस पर भी आपको टैप लगा देना है। और इसके बाद में फ्रेंड्स, हमारे जो बचे हुए तार हैं, सोल्डरिंग करनी रह गई है वह सिर्फ इस स्पीकर की, तो दे सकते हैं। तो इस जगह पर फ्रेंड्स, एक PF लगा हुआ है, ये 104 का है, ये 103 का भी हो सकता है। तो चलिए, आपको इस जगह पे आपको सोल्डरिंग कर लेनी है स्पीकर की। चलिए, ये हमारा स्पीकर है, इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स। कोई भी आप दो वायर के टुकड़े ले लीजिए, यानी आपको इस जगह पर सोल्डर कर देना पहले दो। इसके बाद हम फ्रेंड्स, आपको इस फ्रेंड्स जो हमारे स्पीकर के वायर थे वो जुड़कर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, आपको इसे प्लेट को जोड़ के दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्लेट को आपको किस जगह पे जोड़ना है। देखिए, ये वाला जो हुआ आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे आपको एक वायर इस जगह पे सोल्डर कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको एक वायर इस जगह पे कनेक्ट कर देना है। चलिए, ये भी कनेक्ट हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, आपको इसे चेक करा के दिखा देता हूँ। तो चलिए, इसे हम इस तरीके से कर लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद में फ्रेंड्स, हम इसे कस देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको इसकी बोन्ड कस के दिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आपको इसे आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।